हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। ये वीडियो ओकिनावा प्रेस प्रो के ऊपर है। ओकिनावा प्रेस प्रो यूज़र को तो शायद पता ही है, और जिसको प्लान है कि ओकिनावा प्रेस प्रो हम बाय करेंगे, तो उनके साथ एक इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करना चाहता हूँ। इसका जो चार्जिंग पोर्ट का जो ढक्कन है ना, ये बहुत ही घटिया क्वालिटी का है। मेरा ये प्रेस प्रो सिर्फ 6 या 7 महीने ही हुआ है, ये अभी नया है। तो इस 6 या 7 महीने में ही इसका जो ढक्कन है, ये रबर का है, ये हट गया था। देखिए, ये काट ही गया था, तो मैंने थोड़ा बहुत जुगाड़ लगा के इसको थ्रेड से सिलाई किया हुआ है, लेकिन इससे भी ज़्यादा दिन ये चल नहीं रहा है मेरे हिसाब से। और इसका जो ये ढक्कन है ना, ये आपको मिलता भी नहीं है सिंगल। मैंने बहुत सारे सर्विस सेंटर पे भी कांटेक्ट किया, तो उन्होंने बताया इस प्रॉब्लम हर मैक्सिमम यूज़र के साथ हो रहा है, लेकिन इसका जो पार्ट है ये अभी मेरे पास हमारे पास अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर ये इस तरह से ओपन रहता है, तो मान लीजिए आप इसका जो फ्लोर है, इस पर कोई सामान से ये अगर हीट कर जाता है, तो ये पूरा का पूरा सेट ही आपको चेंज करना पड़ेगा। तो इस तरह का जो मटेरियल है, इसके थोड़ा सा ओकिनावा को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये नए बाइक के साथ अगर ऐसा होता है, तो जो बायर है उसके साथ एक्सपीरियंस बहुत ही बुरा रहता है। आई थिंक सभी ओकिनावा जो प्रेस प्रो यूज़र है, उसके साथ ये सेम प्रॉब्लम है। देखिए ये किस तरह गंदी लग रही है, अगर ये ओपन होकर रखा हुआ है तो। तो इस तरह का अगर ओकिनावा का कोई ये वीडियो देख रहा है, तो उसका जो R&D टीम है, उसको थोड़ा सा ये बिल्ड क्वालिटी में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस तरह का अगर प्रॉब्लम नहीं जो प्रोडक्ट है उसमें आता है, तो ये जो बाइंग एक्सपीरियंस है, टोटली ओवरऑल जो यूज़र एक्सपीरियंस है, वो अच्छा नहीं रहता है। तो अगर आपके साथ भी ये सेम प्रॉब्लम हुआ है, तो आप काइंडली कमेंट करके बताइए। टिल देन थैंक यू।